हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिटेक मेरठ। मैं गुलफाम उम्मीद एक बार आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट की बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक को लेकर के। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। मैं आपको बता दूँ, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक में केमिस्ट्री में हमारे एंट्रेंस एग्जाम पर क्वेश्चनों की भरमार है। अगर आप प्रीवियस ईयर में जाकर के देखेंगे तो पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। उसी पर कुछ क्वेश्चन मैंने वहां से उठा करके आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं बोर्ड पर, जैसे नीट 2016 में मालूम किया गया है और जेईई मेन में मालूम किया गया है। अब मैं पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक को आपको थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ जिसमें आपको मालूम भी है। अगर मैं जनरल मेथड की बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर थोड़ी सी उसकी डेफिनेशन भी लिख दी है कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है। वो एटम्स और मोलिक्यूल जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है, वो होता है पैरामैग्नेटिक, और जो रिपेल होते हैं उन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो होता है डायामैग्नेटिक, ठीक है। और जनरल मेथड, हम जैसे एनसीईआरटी का जो जनरल मेथड है वो ये कहता है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग हम उसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में यानी मोलिक्यूल को जो फिल करते हैं जैसे N2 NO CN CO उस पर हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन आता है अनपेयर्ड तो वो शो करेगा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, और अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं पेयर्ड तो वो शो करेगा डायामैग्नेटिक। ये बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी सबशेल के अंदर एटलीस्ट एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक शो करेगा, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो शो करेगा डायामैग्नेटिक, ठीक है। उसे हम फिल करेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये आपको पता है ये मेथड 14 तक के इलेक्ट्रॉन के लिए, उसके लिए दूसरा होता है जो 2pz आपका यहाँ पर आ जाता है, सिग्मा 2pz यहाँ पर आ जाता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। दूसरी बात ये है जो क्वेश्चन है जैसे नीट में 2016 में मालूम किया गया क्वेश्चन है वो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, यानी कौन सा मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को करता हूं, फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, जैसे मैं एक बात बता रहा हूं, जैसे साइनाइड, आप क्या करेंगे साइनाइड नेगेटिव तो कार्बन के 6, नाइट्रोजन के 7 और एक इसका, तो ये हो जाएगा आपका 14, ठीक है। आप इसी तरीके से इसका निकालेंगे 14, ठीक है, फिर आप इस 14 को इसमें फिल करेंगे, ठीक है, फिर आप फिल करके बताएंगे कि इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऐसे आप इसमें काउंट करेंगे तो आप काउंट करके देखेंगे 14 इसका आएगा और इसका भी 14 आएगा, ऑक्सीजन का जब आप देखेंगे 8 और 8 16 इसका आ जाएगा 16, ठीक है। आपके पास जो एनसीईआरटी का जनरल मेथड है वो जनरल मेथड ये है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव के अंदर जो अल्टरनेट दे रखे हैं सभी का आप पहले इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है, फिर इलेक्ट्रॉन को उसे फिल करेंगे, और फिल करने के बाद जब आप अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो कहेगा पैरामैग्नेटिक, और अगर पेयर्ड आ रहा है तो वो शो करेगा डायामैग्नेटिक, जो कि आपके 5 to 8 मिनट आराम से ले जाएगा। लेकिन जब हम एंट्रेंस एग्जाम में बैठेंगे तो एंट्रेंस एग्जाम में हमें वहां पर अपने टाइम ड्यूरेशन को देखते हुए अपने समय को बचाना है, और उस समय को देखते हुए हमें, मैं आपके सामने एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूं जो आपके क्वेश्चन को 100% ठीक करेगा विद इन 5 to 7-8 सेकेंड के अंदर, ठीक है, आपका बहुत समय बचाएगा। इसी तरीके का क्वेश्चन आपका जेईई मेन 2018 में मालूम किया गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामैग्नेटिक, इसमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक नहीं है। फिर आप वैसे ही करेंगे कि पैरामैग्नेटिक इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं नॉट पैरामैग्नेटिक या कह दे पैरामैग्नेटिक, एक ही तो बात है, नॉट पैरामैग्नेटिक कह दो या कह दो आप डायामैग्नेटिक, ये एक ही बात है, ठीक है। डायामैग्नेटिक यानी इसमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक नहीं है, फिर आप उसी तरीके से उस प्रोसेस को करेंगे, ठीक है। अब मैं आपके सामने जो मेन बात है कॉन्सेप्ट की जो शॉर्ट ट्रिक रखता हूं, उस शॉर्ट ट्रिक से आप क्वेश्चन को जो अभी तक मैंने बात की है उस बात पर अगर आप उस बात को करते हैं यानी जनरल मेथड को करते हैं तो जनरल मेथड आपका बहुत समय ले जाएगा, ठीक है। मैं आपके सामने अब एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक पेश करता हूं कि आपको सिर्फ 2 स्टेटमेंट याद करने हैं, वो 2 स्टेटमेंट आपको 1 मिनट में याद हो जाएंगे, और आज के बाद आपका पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक बेस्ड कॉन्सेप्ट पर कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। आपकी नीट और आईआईटी की उम्मीद, गुलफाम उम्मीद, देखिए जो आपकी शॉर्ट ट्रिक है आप इसे सबको आज के बाद आप इसे याद ही नहीं करेंगे, बात खत्म, ठीक है। आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आज के बाद बिल्कुल 100% समय बचाते हुए आपका ठीक होने वाला है, ठीक है।
ये नीट 2016 में मालूम क्या हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपकी शॉर्ट ट्रिक है। बेटा इस शॉर्ट ट्रिक पे ध्यान दें, अभी तक जो आपको बात बताई गई है वो तो सभी बच्चे जानते हैं और वो क्वेश्चन करते भी हैं, लेकिन मैं आपको दो स्टेटमेंट सिर्फ याद करा रहा हूं और उन दो स्टेटमेंटों को बिल्कुल याद कर लेना, आपका पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक पर कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ऑल एटम्स और मॉलिक्यूल, आप मॉलिक्यूल ही लिख लें क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे हैं। ऑल मॉलिक्यूल्स आर डाया मैग्नेटिक, ठीक है, एक्सेप्ट, बेटा बात समझ में आ रही है, ऑल मॉलिक्यूल आर डायमैग्नेटिक एक्सेप्ट, एक्सेप्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये है, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये है, ऑल ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, कंटेनिंग मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है अगर वो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें, ऑड नंबर से मतलब है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, ठीक है, एक तो इन्हें छोड़ करके, दूसरा सेकंड, ठीक है, सेकंड है आपका एक तो 10 इलेक्ट्रॉन वाला एंड एक है 16 इलेक्ट्रॉन वाला, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन एंड 16 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, बस एक तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले और दूसरा बेटा 10 एंड 16, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कॉन्सेप्ट की, जो शॉर्ट ट्रिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा बात समझ में आ रही है, एक तो याद कर लेना जितने भी सब डायमैग्नेटिक हैं, लेकिन कुछ को छोड़कर, कुछ को छोड़कर, जैसे एक तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग मॉलिक्यूल और दूसरा 10 इलेक्ट्रॉन वाला और 16 इलेक्ट्रॉन वाला, और मैं आपको बात बताना चाहता हूं ये दोनों जो हैं एक्सेप्ट, यानी ये जो उन्होंने कहा एक्सेप्ट, ये शो करता है पैरामैग्नेटिक, इनडायरेक्टली बात हो गई पैरामैग्नेटिक, या तो आप ऐसा कह दो कि ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल जो होते हैं पैरामैग्नेटिक, और 10 और 16 वाले, बस ये दो याद कर लेना, जिस भी मॉलिक्यूल में आप प्लस करेंगे इलेक्ट्रॉन को, जिस भी मॉलिक्यूल में आप जब उसे जोड़ेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन अगर 16 इलेक्ट्रॉन आता है तो वो है आपका पैरामैग्नेटिक। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं शॉर्ट ट्रिक, ऑल मॉलिक्यूल आर डायमैग्नेटिक एक्सेप्ट, एक तो है फर्स्ट ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग मॉलिक्यूल और दूसरा 10 इलेक्ट्रॉन एंड 16 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, यानी जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो या 16 इलेक्ट्रॉन वाले, सिंपल सी बात बता रहा हूं, एक तो वो जिसके अंदर ऑड नंबर है इलेक्ट्रॉन के, यानी 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है बेटा, दूसरा वो 10 इलेक्ट्रॉन एंड 16 इलेक्ट्रॉन, अगर आप 10 इलेक्ट्रॉन वाला पढ़ेंगे बॉन्डिंग एंटीबॉन्डिंग के हिसाब से, जब आप पढ़ेंगे सिग्मा 1s2 स्टार सिग्मा 1s2 2s2 स्टार सिग्मा 2s2, तो आप ऐसे करेंगे 5 2px में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इतना समय नहीं है, आप हर मॉलिक्यूल पर बॉन्डिंग एंटीबॉन्डिंग वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख सकते, आपका बहुत समय जाएगा, ठीक है, अगर आपको ये बात याद है जो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको लिखवाई है, जो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको नोट करवाई है, अगर आपने ये बात होगी देखो आपका क्वेश्चन 100% ठीक होंगे, और आज ही आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जा करके देखें और ये जो मैंने मेथड आपको बताया, यानी जो शॉर्ट ट्रिक आपको बताई है उस पर आपका क्वेश्चन 5 to 7 seconds में, विद इन 5 seconds के अंदर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखो अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूं, मैं यहां से इसे हटा देता हूं, अब पेन की शॉर्ट ट्रिक आपको याद है तो पेन की निप रखने की भी जरूरत नहीं है आपको रजिस्टर पर या पेपर पर, ठीक है,
आपको पता है 10 और 16 वाले इलेक्ट्रॉन तो होते हैं पैरामैग्नेटिक, और इवन आपका जो होता है ओड नंबर वाला भी, ठीक है। देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, 10 और 16 वाला आंख नीच करके 16 बता दो किसमें। अगर मैं करता हूं इसे, आपको याद है 14 तो ये है, 14 ये है, 14 ये है, आप इसे भी क्यों देख रहे हो, आंख नीच करके 16 वाला बता दो, 16 वाला है तो आपका आंसर ये रहा, ठीक है। कितना टाइम लगा। दूसरा बेटा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामैग्नेटिक, मैं यहां से हटा देता हूं, मेन क्वेश्चन तो यही है, मेन क्वेश्चन यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामैग्नेटिक, ठीक है। नॉट पैरामैग्नेटिक में जैसे बात करता हूं आपको मैं, नॉट पैरामैग्नेटिक देखो O2 16 जब आप करेंगे O2 16 यानी ये तो क्या है पैरामैग्नेटिक है, B2 10 ये भी पैरामैग्नेटिक है, 10 और 16 वाले देखो पैरामैग्नेटिक आ गए, और अब मैं इसे करता हूं 14 वाला क्या होगा डायमैग्नेटिक, आंसर क्या जाएगा आपका 14 डायमैग्नेटिक, क्योंकि जब आप इसे करेंगे 8 और 7 15 आएगा, और ओड नंबर क्या बताया मैंने आपको, ये 15 है यानी ओड नंबर आ, ओड नंबर की वजह से क्या है ये पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। 16 की वजह से पैरामैग्नेटिक है, 10 की वजह से पैरामैग्नेटिक है, आप ज्यादा मत सोचो, आपको फिल करके देख लेना, आपको वहां अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं मेहनत मैंने कर रखी है, स्ट्रगल मैंने कर रखा, सिर्फ आप मेहनत अपनी क्या बोलते हैं इसे कॉन्सेप्ट को रटे, ठीक है। आपके साथ जो मेहनत की जा रही है, वो ये है जो बेहद नजदीक हमारे एंट्रेंस एग्जाम है उसमें समय बचाने के लिए की जा रही है बेटा, ठीक है। अब ये जो आपका क्वेश्चन है, अब आपको क्वेश्चन देखो, आपको कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ इस चीज को देख करके आप आराम से टिक कर देंगे, ठीक है बेटा। ये बहुत शॉर्ट मेथड है जो आपके सामने रखा गया है, और आपके सामने ऐसे ही वीडियो डेली लाता रहूंगा वेरी वेरी शॉर्ट मेथड के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।